साथियों, गुरुद्वारा लखपत साहिब समय की हर गति का साक्षी रहा है। आज जब मैं इस पवित्र स्थान से जुड़ रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि अतीत में लखपत साहब ने कैसे कैसे जंजावतों को देखा है। एक समय ये स्थान दूसरे देशों में जाने के लिए, व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र होता था। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी के पग यहां पड़े थे। चौथी उदासी के दौरान गुरु नानक देव जी कुछ दिन के लिए यहां रहे थे, लेकिन समय के साथ ये शहर वीरान हो गया। समंदर भी इसे छोड़कर दूर चला गया। सिंध दरिया ने भी अपना मुख मोड़ लिया। 1998 के तूफान से, समुद्री तूफान से इस जगह को, गुरुद्वारा लखपत साहब को काफी नुकसान हुआ और 2001 के भूकंप को कौन भूल सकता है। उसने गुरुद्वारा साहब की 200 साल पुरानी इमारत को बड़ी क्षति पहुंचाई थी, लेकिन फिर भी आज हमारा गुरुद्वारा लखपत साहिब वैसे ही गौरव के साथ खड़ा है। मेरी तो बहुत अनमोल यादें इस गुरुद्वारे के साथ जुड़ी है। 2001 के भूकंप के बाद मुझे गुरु कृपा से इस पवित्र स्थान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। मुझे याद है तब देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिल्पियों ने, कारीगरों ने इस स्थान के मौलिक गौरव को संरक्षित किया। प्राचीन लेखन शैली से यहां की दीवारों पर गुरुवाणी अंकित की गई। इस प्रोजेक्ट को तब यूनेस्को ने सम्मानित भी किया था।